परमेश्वर की बेटियां जो परमेश्वर के लोग भी जो हैं वो नंगे घूम रहे हैं, हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं हो रही है। और फिर अगर ये इन बातों पे चर्चा करो, अरे ये पादरी तो रूढ़वादी है। रूढ़वादी क्या, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नंगे हो। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और लोग कलीसिया समय काल में जो है ये बहुतायत से हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरीहों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1-3 पद के विषय में सीखा था, यानी चौथे भाग के विषय में सीखा था। आज भी हम जो है प्रकाशित वाक्य 11:1-3 के विषय में इसके 5वें भाग के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम आपके लिए ये पद फिर से पढ़ देते हैं, प्रकाशित वाक्य 11:1-3। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। यहां पर जो है हम पहले भाग की बात कर रहे हैं, यानी परमेश्वर का मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। हम परमेश्वर के मंदिर की सेवकाई के बारे में सीख रहे हैं और परमेश्वर के मंदिर में जो मुख्य रूप से 2 भाग हुआ करते थे, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, उनके अंदर जो चीजें थी उनके अंदर की वो सेवकाई के बारे में जो है हम सीख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि जो वहां पर उपासना कर रहे हैं, जो वर्शिप हो रही है, जो पवित्र स्थान में है और जो महापवित्र स्थान में है, उसके आधार पर जो वर्शिप हो रही है, वहां लिखा है कि उनको भी नाप लेना जो उस तरीके से वर्शिप कर रहे हैं। तो इसलिए हमें यह सीखना जरूरी है कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान की सेवकाई क्या थी, ताकि हम सही वर्शिप जो है वो कर सके। हम बात करेंगे, जब हमने पिछले संदेश में देखा था, सुना था, पवित्र स्थान में 7 दीवट रखी है और ये 7 दीवट जो है परमेश्वर का वचन बताता है ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है और ये एशिया की 7 कलीसिया या तुर्की की 7 कलीसिया कहलाया जाता है। और ये 7 जो कलीसिया हैं, ये 7 जो है समय काल को भी प्रकट करता है और हम जो हैं 7वीं कलीसिया अर्थात लौदीकिया कलीसिया के समय काल में रह रहे हैं और हम लोग जो हैं लौदीकिया कलीसिया के जो मेंबर्स हैं वो हैं। तो यह हम बात करेंगे 7वीं कलीसिया के विषय में, लौदीकिया की कलीसिया। हम लोग लौदीकिया कलीसिया काल के युग के हैं और इसके अंतर्गत जो है हम लोग आते हैं। लौदीकिया कलीसिया का आरंभ, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जानना जरूरी होता है कि ये आरंभ कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। लौदीकिया कलीसिया का आरंभ जो है 1844 ईस्वी से होता है और इसका समय काल दुनिया के अंत समय तक है, क्योंकि ये अंतिम कलीसिया है। इस कलीसिया काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जो है कुछ भी अच्छा कहने को नहीं है। आप जो है प्रकाशित वाक्य 3:1-22 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप बारीकी से पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के समय के काल के लोगों के बारे में या इस कलीसिया के लोगों के बारे में या इस कलीसिया के दूत के बारे में जो है कुछ भी अच्छा कहने को नहीं है। यीशु मसीह ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और वो बातें जो है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है क्या है, यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया के दूत को अपना अलग अलग परिचय देता है। बिल्कुल सही बात है जो हम पिछले उसमें सीख चुके हैं। यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया के दूत को बताता है कि वे उनके कामों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह उनके कामों की प्रशंसा भी करता है और उनके द्वारा किए गए कामों की निंदा भी करता है यदि वो गलत देखता है। यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया अर्थात 7 कलीसियाओं के दूत को सहमति देता है और चेतावनी भी देता है। वे 7 कलीसिया काल के लोगों को जिन्होंने जय पाई है उन्हें रिवार्ड देने का बात भी करता है। अब 7 कलीसियाओं का वर्णन जो है, जब आप 7 कलीसियाओं के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, इफिसुस से लेकर जो है लौदीकिया कलीसिया के कालों तक जब आप पढ़ेंगे, खासतौर से जब आप इफिसुस से लेकर और फिलदेल्फिया अर्थात जो 6 कलीसिया हैं उनके कामों की
प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा करता है और कुछ ऐसी कलीसिया भी हैं जिनके कामों की वो निंदा भी करता है। परंतु यहां पर जब हम बात करते हैं लौदीकिया कलीसिया की बात करते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके कामों की प्रशंसा करता ही नहीं है, क्योंकि कोई काम उसको प्रशंसा के लायक दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो भी काम दिखाई दे रहे हैं वो सब गलत दिखाई दे रहे हैं। और आज यही चीज है, आज मेरे सुबह के समय मेरे दिल दिमाग में एक विचार आए थे कि प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा किन कामों से घृणा करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह व्यविचार से काम जो है घृणा करता है, प्रभु यीशु मसीह मूर्ति पूजा से घृणा करता है, और प्रभु यीशु मसीह स्त्री त्याग से यानी डिवोर्स से तलाक से जो है वो घृणा करता है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं मुख्य रूप से तीन बता रहा हूं, और ये संसार के अंदर व्यविचार का काम हो या डिवोर्स का यानी तलाक का काम हो, ये बहुतायत से जो है वो हो रहा है। और मूर्ति पूजा जो है बहुतायत से हो रही। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपने मूर्ति बना ली और उसके आगे बैठ गए आप पूजा कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा जो है किसके समान है, लोभ और लालच भी, लोभ और लालच भी मूर्ति पूजा के समान है। और ये भी मूर्ति पूजा में और व्यविचार में आता है, आपका लोभ और लालच। ये मत सोचिए कि अरे हम तो यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते हैं, वो तो दूसरी कलीसिया है जो यीशु मसीह की मूर्ति बना। ठीक है, आप मूर्ति बनाकर पूजा नहीं कर रहे हैं या आप मूर्ति नहीं बना रहे, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है यदि आपके मन में किसी भी चीज का लोभ और लालच भी समाया हुआ है तो आप मूर्ति पूजा की श्रेणी में आते हैं। पौलुस अपनी पत्रियों में स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है। इसलिए ये धोखे में ना रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं है, ये इन बातों से बहुत ज्यादा घृणा जो करता है। तो कामों की प्रशंसा की बात अगर हम करें तो आज बहुत से ऐसे काम हैं परमेश्वर की नजरों में जो घृणित ठहरते हैं और वो बताए से चरम सीमा पर हो रहे हैं, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है जिससे जो है हमारी प्रशंसा जो है वो नहीं हो पा रही है। प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है 7 अध्याय और उसके 7-8 तक जो है, वहां पर जो है अगर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है हर एक जो इजरायली गोत्र के लोग थे, 12 गोत्र के लोग थे, हर एक गोत्र के लोगों में से 12,000 लोगों को चुना गया है, परमेश्वर का वचन ये बताता है। परंतु वहां पर दान का नाम जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लौदीकिया कलीसिया के बारे में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। लौदीकिया कलीसिया का अर्थ क्या है? लौदीकिया कलीसिया का अर्थ है परमेश्वर का न्याय या लोगों का न्याय। न्याय शब्द से जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ होता है न्याय या लोगों का न्याय जो है वो है, यानी न्याय कार्य जो है इस समय परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये चल रहा है। तो यहां पर लौदीकिया कलीसिया का जो मीनिंग निकल कर आ रहा है उस आधार पर बात कर रहा हूं, और इसलिए मैं आप को वो वचन दे रहा हूं, यानी प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय और उसका 4 पद से लेकर 8 पद तक, यानी परमेश्वर जो है 12 गोत्रों को में से 12,000 लोगों को चुनता है, यानी 144,000 को चुनता है, परंतु उनमें से क्या कहते हैं दान के गोत्र का नाम जो है वो नहीं है बिल्कुल। अब दान के गोत्र का नाम क्यों नहीं है, ये बड़े समझने की बात है, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। आप जब उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। परमेश्वर ने समस्त इज़राइलियों में न्यायकर्ता किसको ठहराया था, न्याय का काम किसको सौंपा था, दान को सौंपा, दान को न्याय का काम सौंपा। परंतु दान ने क्या करा, उस न्याय के अंदर जहर भर दिया और बहुत से जीवन को, बहुत से परिवारों को अपने गलत न्याय के द्वारा, अपने गलत निर्णय के द्वारा जो है वो क्या करा, उसने बहुत से जीवन, बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया। और न्याय जो दान जो था उसने न्याय को क्या करा, बेच डाला, मुंह देखा न्याय करा, और इस वजह से जो है परमेश्वर जो है वो बहुत नाराज हो गया, क्योंकि न्याय के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, अमोस 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े, क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है। अब यहां क्या है, न्याय को किसमें, विष में, जहर में, तभी वहां लिखा है ना, आप जब पढ़ेंगे तो आप उत्पत्ति में जब आप पढ़ेंगे क्या लिखा है कि दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा,
है, क्यों उसे सांप और नाग जैसे जो बहुत जहरीले सांप हैं जिनके अंदर बहुत गहरा जहर भरा हुआ है और जो है उसकी उनकी तुलना जो है दान के न्याय से और दान से की गई है, क्यों? क्योंकि उसने जो है उसके न्याय में जहर मिला हुआ है और उसने वो जहर बहुतों पर उगल कर बहुतों पर डालकर जो है उनको बर्बाद कर डाला है एक गलत न्याय के द्वारा। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जहां न्याय होता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है और जहां न्याय नहीं है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और इस कारण जो दान है, दान ने जो है परमेश्वर के उस न्याय के काम को बिगाड़ कर है परमेश्वर को क्या है परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर को गलत ठहराया, परमेश्वर की उपस्थिति को इज़राइल के बीच में से हटा दिया अन्याय करके। और इसलिए जो है परमेश्वर नाराज है और उसको जो है परमेश्वर क्या करता है, उनको 144,000 पे जो मोहर की गई है परमेश्वर ने दान का नाम काट दिया, दान के किसी भी गोत्र के लोगों में से किसी के ऊपर मोहर नहीं की गई है। क्योंकि परमेश्वर जो है वह ऐसे, यदि आज हमारे जीवन में भी न्याय का काम नहीं है, किसी भी कलीसिया में, किसी भी परिवार में, किसी भी लोगों में न्याय नहीं अगर है तो समझ लिए परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर लग ही नहीं सकती है। यहां पर परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट इस तरीके से कह रहा है। फिर क्या कहता है, अमोस की पुस्तक पढ़िएगा, देखिए अभी अमोस का उदाहरण दिया, अमोस का एक और उदाहरण देने जा रहा हूं, अमोस 5 अध्याय उसका 7वां पद, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। अब परमेश्वर जो है मतलब ये सोच लीजिए, वो उनको बहुत बुरी तरीके से कह रहा है, न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। क्योंकि न्याय कहां से प्रकट हो रहा है, धर्म से प्रकट होता है। जब एक सच्चा न्याय होता है, जब एक सच्चाई के साथ न्याय होता है तो वो धर्म को प्रकट करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, आप योना 14:16 पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो न्याय के विषय में तुम्हें निरुत्तर करेगा, लिखा हुआ है। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, और सिर्फ न्याय के विषय में लिखा है कि निरुत्तर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो न्याय के विषय में जो है निर्णय करेगा कि आपने परमेश्वर के न्याय को अपने जीवन में बनाए रखा या नहीं बनाए रखा। इस विषय में पवित्र आत्मा इस विषय में बात करेगा, वहां बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो बात करेगा। आप पढ़ लीजिएगा उस जगह को, फिर लिखा है हबाकुक 1:4 में, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता है, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं इसलिए न्याय का खून हो रहा है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि उसका आरंभ जो है 1844 से हुआ, इस पॉइंट को दिमाग में बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर या अगले अगले भाग में हम इस चीज को सीखेंगे कि 1844 से कैसे प्रकट हुआ। परंतु पहले जो उसका अर्थ है उस अर्थ को समझ ले कि न्याय के विषय में, यानी न्याय के विषय में क्या है, परमेश्वर जो है अपना अलग अलग प्रकटीकरण और अलग अलग तरीके से जो है परमेश्वर बहुत सी चीजें वहां पर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। अब जो है जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 14वें पद में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। देखिए सबसे पहली बात है विश्वास योग और सच्चा गवाह किस चीज से जुड़ता है, न्याय से। सच्चे गवाह क्या है, आप जब अदालत में जाते हैं गवाही देने जाते हैं ना, न्याय के विषय में गवाही देने जाते, एक सच्ची गवाही देने जाते। तो यहां पर जो लौदीकिया कलीसिया को दिया गया है एक सच्चा गवाह दिया गया है जो सच्चाई के साथ न्याय करता है। इसलिए हम न्याय की बात जो है पहले कर रहे हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके परिवार में आपके जीवन में न्याय नहीं है तो परमेश्वर की मोहर आप पर नहीं लग सकती है। यहां लिखा है इसलिए प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से क्या कहता है। अब प्रकाशित वाक्य 3:14-22 तक आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ लीजिएगा, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, तू आभागा, तू तुच्छ, तू कंगाल, तू अंधा और तू नंगा है। अब देखिए यहां सारी चीजें हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू ना ठंडा है और ना तू गर्म है, और मैं क्या हूं, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। मुंह से उगलने का मतलब क्या होता है कि मैं तुझे अपने चित्त से, अपने मन से उतार दूंगा, जैसे उसने दान को निकाल दिया, जैसे उसने दान को स्मरण नहीं करा जब वो इज़राइल के 12 गोत्रों पर
जो है हर एक गोत्र में से 12,000 को लेकर 144,000 के लोगों पर मोहर लगा रहा था, तब दान का नाम वहां पर स्मरण नहीं किया गया, और इसलिए दान का जब नाम स्मरण नहीं किया गया तो उसके माथे पर मोहर भी नहीं लगी। अब यहां जो है, यहां क्या कह रहा है कि मुंह से उगलने पर तुझे अपने मन से निकाल दूंगा, स्मरण भी नहीं करूंगा, और इसलिए अपनी मोहर भी नहीं लगने दूंगा। क्यों नहीं? तू अभागा है और तू जो है तुच्छ है, यानी बिल्कुल तुच्छ गिना गया परमेश्वर की नजरों में। अब परमेश्वर की नजरों में अगर तुच्छ गिने जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं, यह आप डैनियल की पुस्तक में पढ़िएगा, जो नबुकदनेस्सर राजा का जो बेटा था ना, घमंड से भरकर और पवित्र स्थान से सारे पात्र और वो सब कुछ उठा लाया और अपनी रखेलियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो है उसमें शराब पी रहा था, तब एक हाथ आया और दीवार पर कुछ लिखने लगा। तो डैनियल से उसका अर्थ पूछता है कि तू जो है परमेश्वर मतलब तराजू में तोला गया और तू हल्का पाया गया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर जो है तौलता है, नापता है, और वो कह रहा है कि तू तुच्छ जो है, तू अभागा है और तू तुच्छ है, तू कंगाल है। आज बहुत पैसे वाले हैं, हम लोगों को ये होता है कि परमेश्वर ने आशीष दिया, हमारे पास 4-व्हीलर है, हमारे पास कोटियां हैं, बंगले हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, लक्जरी जीवन आप जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं आप, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कंगाल हैं। वो कहता ना कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़े खाते हैं ना काई लगती है, और हमारे पास स्वर्ग में कोई भी धन इकट्ठा नहीं है। जब हमारे पास स्वर्ग में कोई धन इकट्ठा नहीं है तो हम क्या है, हम कंगाल हैं, हम कुछ नहीं है, और कंगाल जो है वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं होगा जिसने स्वर्ग में धन इकट्ठा ना करा। तू अंधा है, अंधा का मतलब क्या है, हम परमेश्वर की उन गुण बातों को, परमेश्वर के उन भेदों को, परमेश्वर की उन सच्चाइयों को देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें अंधा जो है इस संसार के ईश्वर ने कर दिया। आप दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने उनको इसलिए अंधा कर दिया ताकि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश हम पर न चमके। और इसलिए हम परमेश्वर के उन भेदों को, परमेश्वर की उन सच्चाइयों को, परमेश्वर की उन बातों को देख ही नहीं पाते हैं। और फिर क्या लिखा है कि तू नंगा है। ये नंगा क्या, हवा जो थी अपना नंगापन देखकर शर्मा गई, आदम अपना नंगापन देखकर शर्मा गया जब उनको दिखाई दिया, मगर आज के लोग इतने अंधे हो चुके हैं उन्हें अपना नंगापन दिखाई नहीं दे रहा, वो आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति दोनों रीति से नंगे हैं। और ये लोकदाई कलीसिया काल के समय में बहुत से चल रहा है और आप देख रहे हैं और आप इस बात से सहमत भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यशायाह 3 अध्याय पढ़ लीजिए 16 पद से, ये सिय्योन की स्त्रियां जो ठुमक ठुमक के चलती हैं और घुंघरू छमछम करके चलती हैं, मैं उनके तन को उघाड़ूंगा और उनके सर को गंजा करूंगा। आज ये यशायाह का ये वचन पूरा हो रहा है। सियोन की स्त्रियों का मतलब परमेश्वर की बेटियां जो हैं, परमेश्वर के लोग भी जो हैं वो नंगे घूम रहे हैं, और उन्हें कोई परवाही नहीं हो रही है। और फिर अगर ये इन बातों पर चर्चा करो, अरे ये पादरी तो रूढ़वादी है। रूढ़वादी क्या? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नंगे हो। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है और लोकदेय कलीसिया समय काल में जो है ये बहुतायत से हो रहा है, और इसलिए इन चीजों को क्या कहते हैं वहां पर, वो सहमति देता है लोकदेय कलीसिया काल के, ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, ताया हुआ कि तू धनी हो जाए। ताया हुआ सोने का मतलब क्या होता है, यानी परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन जो है वो जो है ताया हुआ जो है खरा है बिल्कुल, वो जो है वो ले ले और तू धनी हो जाए उसको, उसको लेने से। श्वेत वस्त्र ले ले कि उसे पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र का मतलब होता है यानी पवित्रता को धारण कर ले, पवित्रता को पहन ले। और परमेश्वर लोकदाई कलीसिया काल के लोगों से यही कह रहा है कि तुम पवित्रता को पहन लो कि तुम नंगेपन ना हो। फिर कहता है कि अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लग, यानी परमेश्वर आंखों में लगाने के लिए सुरमा, यानी परमेश्वर का वचन भी पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, यानी परमेश्वर का प्रकाश हमारी आंखों में हो, हम परमेश्वर के भेदों को देख सके, समझ सके। भजन संहिता 119 को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जो है भजन संहिता में कहता है, हे प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत कामों को देख सकूं। जी हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारी आंखों में जो है वो ज्योति डाले, स्वर्गीय ज्योति डाले, वो आत्मिकता की ज्योति डाले कि हम परमेश्वर के वचन के अद्भुत कामों को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सके। वो ये सहमति देता है। और ये जो है पवित्र स्थान में जो 7 दीवट हैं वे 7 कलीसियाओं को जो प्रकट करते हैं, और ये 7वीं कलीसिया की जो बात चल रही है ये उसकी बात चल रही है। अभी हमने 7वीं कलीसिया का जो अर्थ था यानी न्याय और या लोगों का न्याय उसके बारे में बात करी है। अभी 7वीं कलीसिया का जो समय काल आरंभ हुआ जो हमने 1844 बताया, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे अगले भाग में। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।